इस बात का तो इतिहास गवाह है कि बात इंसान की हो या देश की, हमेशा उसकी औकात का अंदाजा लोग उसकी ग्रोथ, इनकम और सक्सेस को देखकर ही लगाते हैं। दोनों में फर्क बस इतना है कि अगर इंसान गरीब हो तो गलती उसकी, और अगर देश गरीब हो तो खरी खोटी सरकार को सुननी पड़ती है। अब आज दुनिया में इसी गरीब अमीर के तराजू से होकर हर देश को गुजरना पड़ता है, और जो देश तोलने वाले की उम्मीदों पर नहीं खरा उतरता, उसके नाम के आगे पुअरेस्ट कंट्री का टैग लगा उसका नाम पूरी दुनिया में गा दिया जाता है। तो चलिए आज हम भी आपको दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों के बारे में बताते हैं। नंबर 10, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीका की सेकंड और वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट कंट्री यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, जिसकी कुल पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ है, जो गरीबी में पल रहे इस देश की परेशानियों से जूझ रही है। देश में सालों से चले आ रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ये कंट्री अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। एक तो पहले ही कांगो में करप्शन, इलिटरेसी और इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ने हाहाकार मचाया हुआ है। ऊपर से यहाँ की सरकार पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते देश को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कहने को तो कांगो के पास नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, पर फिर भी दिन पर दिन ये देश और गरीब होता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ की जनता को दो वक्त का खाना भी सही से नहीं नसीब हो पा रहा है। बात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हो या पुअरेस्ट कंट्री की, कांगो अपने हालात के चलते हर जगह जिल्लत झेलने को मजबूर है। नंबर 9, नाइजर। नाइजर अफ्रीका का वो देश जो अपने लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। यूरेनियम को हर देश अपने यहाँ इंपोर्ट करना चाहता है, पर यूरेनियम की हाई डिमांड के चलते भी इसे अब तक पुअरेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आने से कोई नहीं बचा पाया है। पूरी दुनिया में इसे लीस्ट डेवलप्ड नेशन होने का भी कई बार खिताब दिया गया है। नाइजर में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा के बैठे हैं। देश की आधी से ज्यादा जनता एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, पर पुअर क्लाइमेट कंडीशन के चलते यहाँ की बहुत कम लैंड ही ऐसी है जिसे ये लोग यूज कर सकते हैं। बाकी तो बस बंजर पड़ी बेजान धरती है जिसे ये लोग चाह के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। देश को पहले अपनी जनता की फूड सिक्योरिटी और हेल्थ पर काम करने की ज्यादा जरूरत है, तब जाके कहीं अपनी GDP को बढ़ावा दे पाएंगे। नंबर 8, लाइबेरिया। कहते हैं जब जब किसी भी देश में वॉर के काले साए ने दस्तक दी है, तब तब केवल वो देश को विनाश का पाठ पढ़ा के ही वापस गई है। अफ्रीका के एक देश लाइबेरिया, जिसकी पॉपुलेशन केवल 53 लाख है, इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस देश ने साल 1989 से लेकर साल 1997 तक फर्स्ट लाइबेरियन सिविल वॉर का वो काला समय देखा है जो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। इस वॉर ने इस देश की इकोनॉमी पर कुछ ऐसा असर डाला कि आज ये पूरी दुनिया का वन ऑफ द पुअरेस्ट और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बन के उभरा है। इस देश की आधी से ज्यादा जनता पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और 80% जनता की एक दिन की कमाई लगभग $1.25 है, जो उन्हें खाने के एक एक दाने के लिए तड़पा रही है। लोगों की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है, पर सरकार के पास अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। नंबर 7, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। 50 लाख पॉपुलेशन के साथ अफ्रीका की कंट्री सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी इस लिस्ट में शामिल है। इस देश के वीक और पुअर होने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और जेंडर बेस्ड वायलेंस। बाकी देश में वीक इंस्टीट्यूशंस, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और सिविल वॉर इस देश को बर्बादी की ओर रफ्तार से खींच रहे हैं। ये देश पिछले 40 साल से वायलेंस का सामना कर रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हर बार ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में लास्ट आता है। देश की हालत इतनी खस्ता है कि साल 2014 से ही UN पीस कीपिंग फोर्स के लगभग 12,000 पर्सनल इस देश में सिटीजन्स की जान बचाने के लिए दिन रात तैनात है। सीधी सी बात यह है कि देश को अगर अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है तो पहले अपने सिविलियंस में हार्मनी पैदा करनी होगी, क्योंकि ये इस देश की ग्रोथ का सबसे बड़ा सेटबैक है। नंबर 6, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसने अभी पिछले साल ही यानी 2021 में अपने देश होने का महत्व लगभग खो दिया था। 15 अगस्त 2021 वो तारीख थी जब पूरी दुनिया ने एक देश को बिखरते हुए देखा था। जी हाँ, अफगानिस्तान अपनी गरीबी से निपटने के हर मुमकिन काम कर ही रहा था, तभी तालिबान ने इस देश पर हमला कर कब्जा कर लिया। कुछ ही वक्त में देश में सब कुछ बर्बाद हो गया। कई लोगों ने तो गरीबी, डर और इनइक्वालिटी के चलते अपने देश को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, पर जो लोग यहाँ फंसे रह गए उन्हें आज गरीबी में जीना पड़ रहा है। देश में ना तो फूड सिक्योरिटी है, ना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, और तो और कई लोग तो यहाँ तालिबानी सरकार को अभी तक सरकार होने का सर्टिफिकेट तक नहीं दे सके हैं। जब से तालिबान ने यहाँ कब्जा किया है,
तब से देश में पॉवर्टी रेट 97% तक पहुंच गया है। इनकी गरीबी को आप इस तरह नाप सकते हैं कि 100 में से लगभग 70 लोगों की एक दिन की इनकम अमेरिकन के $1 के इक्वल है। नंबर 5, सियेरा लियोन। 1961 में देश आजाद होने के साथ ही सियेरा लियोन ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स और सिविल वॉर का सामना किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि देश को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी रिपोर्ट और हैप्पीनेस रिपोर्ट जैसी कई लिस्ट में सबसे आखिरी में जगह मिली। अफ्रीका के इस देश में गरीबी की मेनली 4 कारण है, जिनमें करप्शन, पुअर एजुकेशन सिस्टम, एब्सेंस ऑफ सिविल राइट्स और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गहरे मुद्दे हैं। देश में एजुकेशन की कमी होने के कारण इनइक्वालिटी और इलिटरेसी जैसे इशू भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी बढ़ती परेशानियों को देखते हुए सरकार भी अपनी ओर से हर कदम उठा रही है। ये अपनी पॉलिसीज में सुधार के साथ लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ओर अपना एक एक कदम रख रहे हैं, लेकिन शायद संघर्ष काफी लंबा चलने वाला है। नंबर 4, मैडागास्कर। मैडागास्कर एक ऐसा देश है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। यहाँ की हरियाली आपकी आंखों के लिए ब्लेसिंग के समान है, पर अफ्रीका के इस देश पर क्लाइमेटिक कंडीशन का ऐसा श्राप है कि वो इसे इस लिस्ट में शामिल होने पर मजबूर कर देता है। मैडागास्कर के एनवायरनमेंट प्रॉब्लम का सीधा असर यहाँ की पर कैपिटा इनकम पर पड़ता है, जिसकी वजह से देश में भारी गरीबी पनप रही है। यहाँ एग्रीकल्चरल फायर्स, इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज और इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज क्लाइमेट कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो देश में आए दिन सुनने को मिलते हैं, पर इन सब का सॉल्यूशन फिलहाल किसी के पास नहीं है। 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाले इस देश की हालत में पिछले 20 साल में कोई सुधार नहीं आया, और तो और यहाँ 75% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे अपना जीवन व्यापन करने के लिए मजबूर है। नंबर 3, मोजाम्बिक। GDP, ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की दरों में निचले स्तर पर आने वाले देश मोजाम्बिक का टॉप 3 में आना तय ही था। साउथ ईस्ट अफ्रीका का देश मोजाम्बिक गरीबी से निपटने की जगह दिन पर दिन उसमें फंसता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोजाम्बिक की गरीबी में पिछले 5 सालों में लगातार इजाफा देखने को मिला है, जो इनके देश को बर्बादी की ओर घसीट रहा है। देश की कुल पॉपुलेशन 3 करोड़ से भी ज्यादा है, पर नेचर का कहर, FDI का घटना और मिलिट्री अटैक्स यहाँ की ग्रोथ पर फुल स्टॉप लगाने पर तुले है। साल 2020 में एक फ्रेंच कंपनी ने यहाँ $16 बिलियन की फंडिंग कर अपना एक गैस प्लांट लगाया भी था, जिससे इनकी कुछ मदद हो सके, पर मिलिट्री अटैक्स के चलते उन्हें उल्टे पाँव लौटना पड़ा। जानकार बताते हैं कि इस देश को गरीबी से निकलने के लिए पहले अपने अंदरूनी मसले सुधारने की जरूरत है, तब कहीं जाके ये अपनी हालत को सुधार पाएंगे। नंबर 2, सोमालिया। सोमालिया का इस लिस्ट में होने के 2 मेन रीजंस है, एक सिविल अनरेस्ट और दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन। ईस्ट अफ्रीका में पड़ने वाला सोमालिया अपने देश की गरीबी से बेहद परेशान है। इस देश के कुछ तो अपने ही मुद्दे इन्हें गरीबी की ओर धकेलते हैं, तो कुछ प्रकृति ने इन्हें परेशान कर रखा है। देश में पॉवर्टी का रेट 73% तक पहुंच गया है। देश की कंडीशन सुधारने के लिए जब सरकार की सालों की मेहनत अपने चरम पर थी, तभी COVID-19 का इन्हें ऐसा झटका लगा कि ये सीधे जमीन पर आ गिरे। उम्मीद लगाई जा रही थी कि देश 2020 तक 3% की ग्रोथ अपनी देश की GDP में दर्ज करेगा, लेकिन कोविड ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। पर वर्ल्ड बैंक अभी भी इनके इस दलदल से निकलने के सिग्नल दे रहा है, बस शर्त है कि सरकार को अपनी पॉलिसीज और ग्रोथ में सुधार लाना होगा। नंबर 1, बुरुंडी। फाइनली अब हम बात करेंगे उस देश की जो लगभग पिछले 7 सालों से गरीबी के दलदल में बुरी तरह धंसा है। अफ्रीका में बसा छोटा सा देश बुरुंडी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसके पास एक नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स की पूरी लिस्ट है। इस देश में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से करीब 70% लोगों को गरीबी की मार झेलनी पड़ रही है। देश में लोगों के पास न खाने को खाना है, न रहने को घर। ऊपर से यहाँ लगातार होती आ रही पॉलिटिकल राइवलरी भी इस देश की ग्रोथ का बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रही है। पूरेस्ट कंट्री हो या हैप्पीनेस रिपोर्ट, बुरुंडी की स्थिति कुछ इस हद तक खराब है कि वो हर जगह लास्ट नंबर पर आ खड़ा हो जाता है। देश में पॉवर्टी, करप्शन, इंस्टेबिलिटी, ऑथराइजेशन और इलिटरेसी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इन्हें दिन पर दिन और दलदल में घसीटते ले जा रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे दुनिया के वो देश जो अपनी गरीबी के कारण खून के आंसू रोने पर मजबूर है। ना इनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी है और ना इलाज कराने की कोई फैसिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।